मंडला लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में सभा लेने गए कांग्रेस नेता घनश्याम सूर्यवंशी ने अनर्गल बयानबाजी करते हुए कहा था कि 29 अप्रैल को जनता मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को फांसी देगी। न्यूज लाइफ ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद बीजेपी ने घनश्याम सूर्यवंशी के खिलाफ निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं ने भोपाल में निर्वाचन कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दी है और घनश्याम सूर्यवंशी सहित मंडला के कांग्रेस उम्मीदवार और मंचासीन व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महत्वपूर्ण विषयों पर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पहला मामला जो है मंडला लोकसभा क्षेत्र का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को कांग्रेस के एजेंट के द्वारा श्री घनश्याम सूर्यवंशी के द्वारा फांसी पर लटकाने की धमकी दी जाती है और जनता को इस बात की मांग की जाती है कि कांग्रेस जो है चुनाव होते ही इनको फांसी पर लटका देगी। ये अपने आप में घोर आपत्तिजनक मामला है, जिसमें हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल उन कांग्रेस के नेता के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और धारा 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय जो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, जिस इनकम टैक्स की कार्यवाही को लेकर लगातार चर्चा रही और आप जैसे मीडिया के सजग प्रहरियों के माध्यम से देश को पूरी इस मामले की जानकारी लगी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी रिपोर्टों में ये बात की जानकारी आई है, जिसके हमने साक्ष्य भी आज चुनाव आयोग को दिए हैं कि कांग्रेस के 3 प्रत्याशी श्री अजय सिंह राहुल सीधी, मीनाक्षी नटराजन मंदसौर और मधु भगत बालाघाट, इन तीनों को हवाला के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में राशि अपने अपने चुनाव में पहुंचाई गई है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और इनकम टैक्स के जो लॉ है उनका भी इसमें उल्लंघन है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि सब मामलों में तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए और इन तीनों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए।